Audio Jungle. स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं जसपर आशिक और मैं इसबेल जसपर, हम दोनों की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। क्रिसमस यीशु मसीह का जश्न विलादत और यीशु मसीह के जन्मदिन की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हो। और साथ ही साथ फैमिली फेलोशिप के प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल में आपको खुशामदीद भी कहते हैं। क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए अमन, सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि ये अमन के शहजादे की पैदाइश का दिन है। बिल्कुल इसबेला, ये अमन के शहजादे की ईद है और दिन है, तो इस त्यौहार को हम खानदानों का त्यौहार भी कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक खानदान में जन्म दिया, यानी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम के खानदान में। तो आज इसी सिलसिले में क्रिसमस के मौका पर हमने अपने स्टूडियो में भी खानदानों को दावत दी है, ताकि आप हमारे साथ मिलकर आज क्रिसमस की खुशियां जो हैं वो मना सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दिल की तह गहराइयों से वेलकम कहता हूं, और आपकी भरपूर तालियों में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो प्रोग्राम से पहले नाज़रीन, हम चाहेंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं आपसे कुछ वाकफियत हासिल करें, आप उनको जानें। तो ये है कि हमने आज जिन लोगों को दावत दी है, जिन फैमिलीज़ को दावत दी है, हम चाहेंगे कि ये खुद ही अपना तारफ आप लोगों को करवाएं, और आप लोग जानें कि खुदा ने ये जो लोग यहाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनको कौन कौन सी ब्लेसिंग दी हैं, कौन कौन से मर्तबे और रुतबे से नवाजा है। तो मेरी दरख्वास्त है मेजर साहब, आपसे हम शुरू करेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को पहले बता दें कि आपको खुदा ने कौन कौन सी ब्लेसिंग दी हैं, और आप अपने बारे में क्या लोगों को बताना चाहते हैं। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड सुहेल खुर्शीद है, और लास्ट ईयर मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। प्रेजेंटली मैं डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी कनेट कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर में एम्प्लॉयड हूँ। मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान सर्व किया है, बॉर्डर्स के ऊपर, कश्मीर बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, और GHQ रावलपिंडी में अपनी फौजी खिदमात अंजाम दी हैं। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद 2 children, और ये मेरी मिसेज हैं, डॉक्टर कर्नल हेलन रॉबर्ट, ये पैथोलॉजिस्ट हैं और CMH लाहौर में पोस्टेड हैं। प्रेजेंटली अभी भी ये हाजिर सर्विस हैं, और रिसेंटली ये अमेरिका से एक रिसर्च के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सेलेक्ट हुई थी, और वहाँ पे ये एक रिसर्च पेपर करके आई हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा खूबसूरत बताया है लोगों को अपने बारे में।
लेकिन हम चाहेंगे कि बाजी खुद भी अपने बारे में बताएं। या श्योर, व्हाई नॉट। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेलेन है और मैं गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रही हूँ और आई एम वर्किंग एज अ पैथोलॉजिस्ट इन CMH लाहौर और सुहेल के साथ आई हैव हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग पाकिस्तान आर्मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। आई जॉइन द आर्मी आफ्टर गेटिंग मैरिड टू हिम एंड आई फील दैट वी हैव बीन बोथ ब्लेस्ड के हम एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कपल हम पाकिस्तान आर्मी में बड़ा हमारा ऑनर है कि हम क्रिश्चियन होते हुए वहाँ बड़े ऑनर के साथ सर्व कर रहे हैं और खुदा की बहुत मेहरबानी है कि खुदा ने इतनी इज्जत और तरक्की अता की है। एक चीज़ मैं भूल गया कि वी हैव द ऑनर टू बी द फर्स्ट कपल इन द पाकिस्तान आर्मी इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल्दो क्रिश्चियन ऑफिसर्स मेल या फीमेल इनसे पहले भी रही हैं लेकिन दे वर सिंगल्स फर्स्ट मैरिड कपल दोनों आर्मी में यू नो वी मेक द हिस्ट्री इन द पाकिस्तान आर्मी। दिस इज इफ्तिखार, आप हमारे नाज़रीन को अपना तारफ खुद ही करवा दें। मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग और मेरा नाम मिसेज महावश इफ्तिखार है और शादी को जी 5 साल हो गए हैं। मैं अभी काम कर रही हूँ टेलीनॉर में मैनेजरियल पोजिशन पे और हमारे 2 बेटियां हैं, एक 5 ईयर्स की है, एक 2 ईयर्स की है और इसी तरह से चल रहा है। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? वेरी मच जी, मेरा नाम इफ्तिखार अंजुम है और मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है। ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर्स से मैं शोबा तलीम से मुंसलिक हूँ। प्रेजेंटली मैं सिम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ काम कर रहा हूँ। वी हैव 14 कैंपसेस इन लाहौर और खुदावन का शुक्र है कि एज अ प्रिंसिपल मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी कम्युनिटी के बच्चे अपनी कौम के बच्चों को हम फैसिलिटेट करते हैं। और मैं अभी डिस्कस कर रहा था दोस्तों से कि शायद वाहिद हमारा ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में नहीं मेजॉरिटी में है। तो इस फीलिंग को जब हम फील करते हैं तो वी फील वेरी ऑनर्ड। बाकी मेरी मिसेज ने फैमिली का इंट्रोडक्शन जो है वो करवा दिया, थैंक यू वेरी मच। तो आपके लिए भी हम क्लैपिंग करते हैं कि आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मिसेस सुहेल, आप अपना तारफ करवा दें। जी, मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग और मैं मिसेस सुहेल हाउसवाइफ, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन स्टाफ नर्स, लेकिन 21 ईयर्स हुए हमारी शादी को, स्टिल वो हाउस वाइफ जॉब नहीं है। बाकी इंट्रोडक्शन जो है वो सुहेल, तो बाकी सुहेल सब जी, बाकी फैमिली का और बाकी सुहेल साहब जो है जी, 21 ईयर का एक्सपीरियंस सुहेल साहब बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैथलिक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर मिल सकें और एक फेलोशिप कर सकें। जैसे कि बताया, मेरा नाम सुहेल लेजली जॉन है। बाय प्रोफेशन मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ और खुदा का बड़ा फजल है कि मैं पाकिस्तान में ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड अकेला क्रिश्चियन हूँ जो कि अपने पूरे एडवर्टाइजिंग सेटअप के साथ अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने बिजनेस को लेकर चल रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ और वो मेरी, शायद मुझे नहीं और मुझे मेरी पर्सनैलिटी को इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि जिस तरह के हमारे क्रिश्चियंस के साथ एक चीज़ लिखी जाती है कि ये लॉयल हैं अपने काम में, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम में, अपने प्रोफेशन में अपने क्लाइंट को लॉयल्टी के साथ जो स्पेसिफिकेशन दी है मैं उसी पे काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदा के नाम को जलाल दिया जाए, क्योंकि जब अकेला हूँ अपनी फील्ड में तो फिर मैंने उस चीज़ को अपने लिए एज अ ऑनर लेके चलना है। और खुदा के बड़ा फजल है, मैं पहली बात, हमारी शादी को 22 साल हो गए हैं और ख़ुदा ने हमें 3 बेटों से ब्लेस किया है। और बड़ा बेटा मेरा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑनर्स कर रहा है, सेकंड बेटा सेकंड ईयर में है, थर्ड बेटा मेरा 7th में है और ये छोटी सी फैमिली है, खुदा का शुक्र है। जी सुहेल भाई, आपने बड़ी खूबसूरती से अपना सारा तारफ बताया है। अब हम चाहेंगे मुनसिब भाई भी अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीवी टीम का जिन्होंने हमें फैमिली फेलोशिप प्रोग्राम में दावत दी। उसके बाद तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से क्रिसमस की तमाम खुशियां मुबारक हों।
और मेरा नाम मुनसिफ गिल है। पाकिस्तान में हम सोशली पॉलिटिकली इंटरफेथ हार्मनी और पीस एक्टिविटीज़ सरंजाम दे रहे हैं ऐसे इलाकों में जहां पर डिज़र्विंग पर्सन रहते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हम पाकिस्तान क्रिश्चियन कौमी मूवमेंट जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं उस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। सोशली हम ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी लाइफ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और रिलीजियस एक्टिविटीज़ हम जो है वो चर्च ऑफ गॉड मिसिस पाकिस्तान उसका मैं डायरेक्टर हूँ उस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि मेरी मिसिस का मेरी वाइफ का मेरे इन सारे कामों में बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इनके ताउन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनकी जेर सरपरस्ती ये मिसिस बताएंगी कि ये कब से मिसिस है। तो हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और खुदा ने हमें एक बेटा और एक बेटी दी है। बेटा मेरा 7 ईयर्स ओल्ड है और बेटी 5 ईयर्स ओल्ड। और बड़ी अच्छी लाइफ खुदा ने हमें दी है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। मिसेस मुनसिफ आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्या करती हैं। फर्स्टली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम साजिदा और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ लेकिन अभी 8 साल से मैं हाउसवाइफ हूँ। और खुदा ने हमें 2 बच्चों से ब्लेस किया, एक बेटा और एक बेटी से। जी बाजी आप क्या कहना चाहेंगी अपने बारे में। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से सलाम और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीवी की कि दोबारा से हम लोग इस प्रोग्राम में इन्वाइट हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। और मैं घर में घर का काम हम लोग हाउस वाइफ वेरी सिंपली। थैंक यू सो मच। जी रोबन भाई वैसे तो आप कैथलिक टीवी के प्रोग्राम्स में आते जाते रहते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं आपको जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने प्रोफेशन के मुतालिक खुद ही बता दें। मसीह यसू के जलाली और बाबरकत नाम में जितने भी लोग कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसमें सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और क्रिसमस की और नए साल की ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। मैं रॉबिन यूसुफ सरोया मेरा नाम है और तकरीबन मैं 7 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बैंक में था, 3 मैंने बैंक चेंज की हुए और 7 साल से बिज़नेस में हूँ। और खुदा का शुक्र है कि 4 हमारे सेटअप है बिज़नेस के और सीमेंट लोहा और प्रॉपर्टी का हमारा बिज़नेस है। हम एक भाई मेरा पास्टर है, एक भाई कोरिया में होता है, बाकी अब्बू और बाकी भाई हम सारे बिज़नेस में ही हैं। खुदा का शुक्र है कि अच्छी लाइफ चल रही है और मेरी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। और खुदा का शुक्र कि नेमतें तो खुदा की बहुत सारी हैं जो हम गिन ही नहीं सकते, लेकिन उनमें से चंद मैंने 1-2 आपसे शेयर की हैं। और खुदा का शुक्र कि बहुत ही अच्छा वक्त गुजर है। खुदावंद आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजे। तो अब हम जानना चाहेंगे मिसिज अंसर से कि अपने बारे में हमें आप भी कुछ बताएं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। मैं मिसेज अंसर जावेद, अंसर जावेद मेरे हस्बैंड हैं और हम बेसिकली काम कर रहे हैं एजुकेशन पे और हमारा फोकस जो है वो एक्चुअली हमारी पुअर कम्युनिटी है। और अंसर जो है वो डायरेक्टर है, मैं अंसर को असिस्ट करती हूँ ऑफिस में। इसके अलावा जो है हमारा स्टारफिश का प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो आफ्टर मैट्रिक हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं उस प्रोग्राम को मैं देखती हूँ। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि पाकिस्तान में पहला क्रिश्चियन टीचर मैगज़ीन उड़ान है जिसकी मैं चीफ एडिटर हूँ। और थ्रू दैट मैगज़ीन इस वक्त हम 5,000 टीचर्स को जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। खुदा ने हमें ब्लेस किया है 2 बच्चों से, बेटी है हमारी 15 ईयर की, बेटा है 12 ईयर का और ऑफिस के बाद में हाउस वाइफ हूँ। जी सरन सर वैसे तो बाजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग का जिक्र कर दिया लेकिन आपको खुदा ने कौन सी खास ब्लेसिंग जो है वो दे रखी है, आप खुद ही उनका जिक्र कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो मेरी बीवी मेरे लिए है क्योंकि जो भी काम करता हूँ वो मेरे साथ है, मेरी बैकबोन है, उसके बगैर मैं आज तक जो भी कामयाबी हासिल की है वो शायद मैं ना हासिल कर सकता। उसके बगैर तो इस प्रोग्राम में भी आप नहीं आ सकते। नहीं आ सकते थे। जी हाँ ये थी तो मैं आ गया वरना अब ना मुझे बुलाते मुझे। जी हाँ
तो लेकिन उसके अलावा जो स्टारफिश पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पिछले 14-15 साल से पाकिस्तान में क्रिश्चियन बच्चों की एजुकेशन पर काम करते हैं। हम डिफरेंट स्कूल्स हैं पंजाब, कराची, इस्लामाबाद तक, जिनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए सपोर्ट देते हैं, जिसको काशी ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम देखती हैं। स्कॉलरशिप्स का उन्होंने जिक्र किया, स्कॉलरशिप्स हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ओवरऑल तो सब यही है। सो यूनुस खान साहब, आप अपने बारे में क्या हमारे नाज़रीन को बताएंगे? मैं लाहौर एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जितना भी सिस्टम है उसको डील करता हूँ, और इस पर जो भी मेंटेनेंस का ऑपरेशन का काम हो वो हमारे ज़िम्मे हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट में जो भी काम हो इसी सिलसिले में जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रिलेटेड लाहौर एयरपोर्ट पर, तो वो हम ही डील करें, वो काम करते हैं। जी नासरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पुराना तो नहीं कहना चाहिए, ये सबसे सीनियर कपल जो है फैमिली फेलोशिप का है जो हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, तो बाजी जो हैं वो अपना तारफ जो है ना वो करवाएंगे अभी आपको। मेरा नाम यास्मीन यूनस है और हमारे 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है 14 साल का है, एक 12 साल का है और एक सबसे छोटी बेटी है, और हमारी ये छोटी सी फैमिली है, इसमें हम बहुत खुश हैं। जैसे कि ये अजबैला ने बात की कि सीनियर कपल है इस प्रोग्राम का, तो इनसे भी एक मोस्ट सीनियर कपल पीछे बैठा हुआ है, उनका जिक्र बाद में आएगा ना, 2009 से यहाँ हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते हैं। जी अब जराड भाई, आप अपने बारे में नाजरीन को भी बताएं। मेरा नाम जराड मैनुअल है और निक नेम जेरी से हूँ। तो फैमिली फेलोशिप कोर ग्रुप के हम मेंबर थे, तो जैसे जसबर ने अमी तारफ में बताया कि हम 2009 से स्टार्ट कर रहे हैं ये फैमिली फेलोशिप प्रोग्राम, तो जब स्टार्ट हुआ तो फादर मोरिस ने हमें बताया कि हम फैमिली फेलोशिप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम फादर, क्योंकि फादर मोरिस की कोई भी हम बात को रद्द नहीं करते थे, हमेशा वेलकम ही कहते थे, चाहे वो हमारे गुलबर्ग पैरिश में थे भी या नहीं भी थे, तो हम उनको जो भी वो प्रोग्राम जहाँ पे भी हमें कॉल करते थे हम चले जाते थे अपने फैमिली फेलोशिप प्रोग्राम को मुतारफ कराने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संगम है वो स्टार्ट से ही है, और जसबर और मैं इकट्ठे ही एक ही ग्रुप से हैं, स्टार्टिंग से हैं, हम सीनियर कपल्स में से हैं, तो आज भी मैं भी मुझे लगता है कि हम शादी में भी सीनियर कपल्स ही हैं, क्योंकि हमारा शादी को 27 ईयर्स हो चुके हैं, तो 25 ईयर्स, और मैं नेस्पाक में एज ए आर्किटेक्चरल जॉब करता हूँ, नेस्पाक एक कंसल्टिंग इंजीनियर्स फर्म है जो कि पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये पूरे पाकिस्तान में इनके काम चलते हैं, रोड्स के, ब्रिज्स के, हाउसिंग कॉलोनीज बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो मैं अपना आर्किटेक्चरल में हूँ। मुझे याद है कि मैंने जब 15 साल पहले स्टार्ट किया तो हमारे लिए मौजाना तौर पर यहाँ पे जॉब हमें मिली, तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी मैं अपनी जॉब पे लगा हुआ हूँ और अपने खुदावंद के फजल से बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देता हूँ अपनी जॉब्स को। तो हमारे 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, बड़ा बेटा जो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसने मास्टर्स किया, अभी रिसेंटली वो थीसिस में है, तो नस्ट से कर रहा है मास्टर्स, और उसने जो इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल की वो कॉमसेट से की है, और हमारा जो छोटा बेटा है, दोनों बेटों में 1 साल का गैप है, वो भी इंजीनियर है और वो है IT इंजीनियर है, और वो भी अप्लाई कर रहा है कि अपनी मास्टर्स के लिए। जी मैम रूथ, आप हमारी जो फैमिली फेलोशिप ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी गेम्स की भी बहुत अच्छी विनर हैं, तो मैं आगे नहीं बताऊँगी, आगे आपको अपना खुद ही तारफ बता दें। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस। माई नेम इज़ मिसेस रूथ जैरेट एंड आई एम टीचिंग इन सेंट मैरीज हाई स्कूल सिंस 27 ईयर्स। तो वहाँ पर मुझे पढ़ाने का बहुत मज़ा आता है। चलें तालियां बजा दें, पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। जी बाजी, आप क्या कहेंगी, आप हाउसवाइफ हैं या कोई काम करते हैं? हाउसवाइफ। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं अपने बारे में, बाजी के बारे में भी आप बताएं। हे व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर सलीम शाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू मिस्टर जसबर आशिक, आई वुड लाइक टू पे थैंक माय टीम कैथलिक टीवी। बाय प्रोफेशन मैं ह्यूमैनिटी सर्विंग करता हूँ,
मैं 25 ईयर से कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में एज ए चीफ टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ। शाम को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 20 ईयर हो गए हैं गायनी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरी मिसेज जो हैं ये हाउसवाइफ हैं, 5 बच्चे हैं मेरे। तो सबसे बड़ा बेटा जो मेरा है वो शेफ की ट्रेनिंग कर रहा है, छोटा जो वो कंप्यूटर में कर रहा है, 3 बेटियाँ हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एक कैथलिक टीवी टीम का और आप लोगों को, चूँकि आज खुशी का मौका है, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आज खुशी का मौका है और क्रिसमस जो है वो इस पे क्रिसमस कैरल तो खूबसूरत लगते ही हैं। और आज हमने अपने इस प्रोग्राम में एक गॉस्पल सिंगर को दावत दी है जो बहुत अच्छा गाती हैं, खुदा ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज़ दी है, तो आज हमारे दरमियान है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में समीना सहर को दावत देना चाहूँगा कि वो अपना गीत पेश करें। आदम दे रूप विच जाती आई रा
ख्याल है आप ना ये गीत मेरे साथ गाएंगी और हमारी लेडीज जो हैं वो सारी ये गीत में शरीक होंगी। यीशु मेरा दुनिया चे आया रचित माला पाल ये, यीशु मेरा दुनिया चे आया रचित माला पाल ये, खिल खिल हंस दिया मेरी बहार, खिल खिल हंस सो जबरदस्त। सो मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने बताया था मिस जी के बारे में, उससे उन्होंने खूबसूरत निभाया और आज इस खुशी के मौके को उन्होंने और ज़्यादा दुबाला किया है। हम एक दफ़ा फिर तालियों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बात हो रही थी शुरू में कि देखें हम यहाँ सारे कपल हैं और आपने अपने तारफ में बताया किसी को 25 साल हो गए और किसी को 14 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। तो मेरा ख्याल है कि साल तो एक दूसरे को समझने के लिए एक भी काफ़ी होता है, ठीक है। तो आप लोग तो इतने इतने तजर्बाकार हैं, तो आप लोगों को जो देख रहे हैं वो भी तो आपको सुनना भी चाहेंगे, आपसे सीखना भी चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आज ये क्रिसमस का मौका है और हम जानें कि आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो हम शुरू करते हैं यूनस खान साहब से कि ये अंडरस्टैंडिंग कैसी है और कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल जी, 18 साल हो गए जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस सब मैंने यही कहना था कि जैसे कि हम शादीशुदा होते हैं लेकिन हम सालों एक दूसरे के साथ बिता देते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो मैं चाहूंगी कि बाजी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ हमें बताएं। नहीं, वो हम पूछेंगे लेकिन हमारा तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं भाई को एक मिनट के लिए बाहर भेजना चाहूंगा, फिर हम सारे जानेंगे बाजी से, फिर भाई बाहर से आके बताएंगे कि वाकई जो बाजी ने बताया वो ठीक ही था, ठीक है। सो भाई यूनस, माजरत के साथ आपको थोड़ा गायब होना पड़ेगा। जी बाजी, भाई यूनस जो हैं वो क्रिसमस के दिन सबसे पहले किसको विश करते हैं क्रिसमस? आपकी फैमिली को या उनकी फैमिली को या उनके पेरेंट्स को या बच्चों को या आपको? वो अपने वालदैन को पहले विश करते हैं। भाईजान, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस दिन क्रिसमस होता है तो आप सबसे पहले क्रिसमस विश किसको करते हैं? सबसे पहले घर वालों को, मेन मिसेज को, मिसेज को, किसको? सबसे पहले अपनी मिसेज को। सो नाजरीन, आपने जाना कि बाजी ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले विश करते हैं, तो कोई बात नहीं। ये यकीन दिलाने की बात कर रहे हैं। ये देखें इन कैमरा तो फिर वही उनके साथ बैठे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। सो अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे अंसर भाई से। अगर आप कहते हैं तो हम बाजी को बाहर भेज देते। नहीं, हम आपको ही बाहर भेजेंगे, बाजी से हम पूछेंगे। जी, आपने मुझे ये बताना है कि अंसर भाई जब क्रिसमस के लिए कोई भी गिफ्ट पसंद करते हैं तो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं? आपके कपड़ों को या खाने ज्यादा वो शॉपिंग कर लाते हैं या फिर जूते होते हैं नए लेने या फिर वो बच्चों की चीजों को ज्यादा तरजीह देते हैं? अंसर गिफ्ट्स नहीं देते। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो क्रिसमस पे, नहीं मेरा सवाल पहले सुने, मैंने कहा कि क्रिसमस के लिए वो बच्चों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, आपके लिए या अपने किसी और रिलेटिव के लिए? बच्चों के लिए।
जी भाई को बुलाया जाए। जी सर, आप बताएं कि जब क्रिसमस होता है तो आप शॉपिंग करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें जो खरीदते हैं वो मैम की होती हैं या आपके बच्चों की होती हैं? मेरे बच्चों की होती है। जबरदस्त जबरदस्त सर, आपका जवाब जो है बिल्कुल 100/100 है। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। सो इनके लिए जोरदार तालियां। जी डॉक्टर साहब, आपको भी जाना पड़ेगा बाहर। अच्छा बाजी, आपने मुझे ये बताना है कि क्रिसमस के दिन सर जी जो है वो कौन से खाने की फरमाइश करते हैं? हाँ, तो वो आज मसला मटर कीमा। मटन कीमा क्रिसमस के दिन पसंद? हाँ जी, बहुत पसंद करते हैं। चलें जी, बुलाएं। जी भाई, आपकी फेवरेट डिश जो है वो क्या है? अभी तक तो मटर कीमा है। ओके जी, इनके भी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग के लिए जोरदार तालियां जी। जी जेरी भाई, आपको भी बाहर जाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा कलर है, ठीक है, जो सूटों के लिए वो आपके लिए पसंद करते हैं? मेरे लिए तो वो सारे कलर ले आते। नहीं, वो कोई तो उनको आप पे पसंद होगा जो आपको, मतलब पता क्या जब वो जाते हैं ना। चले आप उनका फेवरेट कलर बता दें। आसान बताना होगा ना। आप उनका फेवरेट कलर बता दें। उनका फेवरेट कलर ज्यादा ब्लैक ही है, वो ब्लैक ही पहनते हैं। अच्छा, आज भी पहने। चले बुलाए भाई को। ब्लैक पहना। देखो मैं सारे कलर पसंद कर। जी मुझे पता है आपने बता देना है। नहीं, मैं बातों में लगा के रखा हुआ है। जेरी भाई, वैसे तो रंग जो है बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आपको कौन सा कलर जो है वो फेवरेट है? वैसे तो आपका रंग भी बहुत खूबसूरत है सर, मगर कपड़ों में बेगम का जो है ना वो फेवरेट काला रंग। ओ जबरदस्त जबरदस्त। तो वाकई इनको 25 नहीं 27 साल ही हो गए। जी इफ्तिखार भाई, अब बारी है आपकी के आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाए। आपको भी बाहर जाना पड़ेगा। हाँ जी। आपने मुझे ये बताना है कि जब कभी भी आपको वो गिफ्ट देते हैं तो कौन सी चीज आपके लिए पसंद करते हैं? वो मुझे गिफ्ट नहीं देते, मुझे कैश दे देते। अच्छा चलिए ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि आप गिफ्ट देते हैं कि कैश देते हैं। अच्छा सर, आपने बताना है कि जब कभी आप बाजी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो कौन सा गिफ्ट जो है आप इनके लिए पसंद करते हैं? वैसे अगर मैं सच बताऊं, कभी लिया ही नहीं होगा। तो मेरी बेगम जब भी कभी मेरे साथ शॉपिंग करने गई है तो मैं, मतलब वो टिपिकल मर्दों वाली आदत कि उनकी अपनी शॉपिंग भी नहीं होती तो मैंने क्या गिफ्ट देना। नहीं, आप नॉर्मली मैं वैसे पैसे दे देता हूँ कि अपनी। ये कहीं नजदीक तो नहीं होते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग ही बहुत ज्यादा है। जबरदस्त सर, आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ। जोरदार तालियां सर के लिए। सो मेरा ख्याल है कि सर का काफी एक्सपीरियंस है फौज में भी, ठीक है, तो इनकी तो लग रहे हैं आपने इनकी तो काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो भाईजान आपसे भी हम पूछेंगे, लेकिन आपका बाहर जाना पड़ेगा। भाजी आप मुझे ये बताएं कि जब भी कोई सेलिब्रेशन होती है तो भाईजान ज्यादा फोर्स करते हैं वहां जाने के लिए या आप ज्यादा फोर्स करते हैं?
मेन शादी भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। हाँ जी, तो आप ज्यादा फोर्स करती हैं या वो फोर्स करती हैं? डिपेंड करता है, उनकी पसंदीदा लोग हैं अगर तो वो करते हैं, मेरी अगर ज्यादा इंक्लिनेशन है तो मैं करती हूँ। नहीं, जवाब में तो एक ही हमें पता चलेगा, तो फिर है ना, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अच्छा नहीं, आमतौर पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, थैंक यू थैंक यू जी। बुलाएं भाई को। जी सर, घर से बाहर कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शंस हो, तो कौन ज्यादा इंसिस्ट करता है कि हम उधर जरूर जाएंगे? मैं खुद। जवाब गलत हुआ। सर आपको तमगा नहीं मिल सकता। जी सहेल भाई, अब आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हम चेक करेंगे। कितने साल हो गए शादी को? 22 साल। बड़ा तजर्बा है मेरा ख्याल, आपका जवाब जरूर दुरुस्त होगा, लेकिन आपको तजर्बा 2 साल ज्यादा सर से, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा साबित करने के लिए। अच्छा भाजी, आप ये बहुत संजीदा सवाल है, आप जी जी, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए ज्यादा वरी रहती हैं या भाईजान? सुहेल। सुहेल ठीक हो गया, बुला ले। नहीं नहीं सॉरी। जी भाई, बच्चों की तालीम को लेकर आप ज्यादा वरीड होते हैं या वो? नॉर्मली तो हम दोनों ही हैं, लेकिन मैं इस चीज को जरा ज्यादा लेकर चलता हूँ कि हम। So, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। सर, इनका जवाब दुरुस्त हुआ, एक दफा इनाम के तौर पे जोरदार तालियां। जी मुंशी भाई, अब आपको जाना पड़ेगा। नहीं नहीं जाने, ना भी पूछना नहीं है, बाद में पूछेंगे ना। अच्छा भाजी, आप मुझे बताएं कि जब कभी मुनसिफ भाई घर से बाहर होते हैं तो आप ज्यादा परेशान होती हैं या उनकी मामा? नहीं, उनकी मामा भी होती है, लेकिन फोन ज्यादा मैं ही करती हूँ। इसका मतलब आप ज्यादा होती हैं। जी बुलाएं जी। आप जब घर से बाहर गए होते हैं ड्यूटी पे, मीटिंग्स पे, तो ज़्यादा इंतज़ार आपका आपकी मिसेज करती हैं कि यहाँ आपकी मदर जो है वो करती हैं? मेरी मिसेज ज़्यादा करती हैं, क्योंकि मैं इनकी कॉल से बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। सो जबरदस्त, मुनसिफ साहब का भी आंसर दुरुस्त हुआ। जी रोबन भाई, अब आपको भी साबित करना ही पड़ेगा। जी आपको भी बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा आपसे शान सा सवाल है, शान सा। रोबन भाई को चावल पसंद है कि रोटी? रोटी पसंद है। रोटी पसंद जी। बुलाएं जी। खाने में आप ज्यादा चावल पसंद करते हैं या रोटी? चावल पहले पसंद थे, लेकिन जब से एक्सरसाइज शुरू की है तब से रोटी ज्यादा पसंद। ये कन्फ्यूजन सी होगी, इसका मतलब आपको चावल पसंद है? नहीं नहीं, रोटी ज्यादा पसंद। जी आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ। सो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे पास जितने भी कपल्स हैं इनकी आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और यही एक वजह है इनकी ब्लेसिंग की, और खुदा ऐसे जोड़ों को सरफराज करता है जो आपस में यकजा होते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जोड़े जो हैं वो एक दूसरे के साथ मजबूत हों और ख़ानदानी ज़िंदगी को समझें और हमारे व्यूअर्स के लिए मॉडल फैमिली साबित हों। सो ये सारी की सारी मॉडल फैमिली हैं। अभी मैंने जैसे शुरू में बताया था कि गेम्स भी होंगी, तो अभी वक्त हुआ जाता है एक गेम का, तो
तो गेम बहुत आसान है, लेकिन अगर मैंने पहले बता दी तो मेरा ख्याल है शायद कई लोग कहें ये मज़े की गेम नहीं है। ठीक है, तो मुझे चाहिए सिर्फ चार कपल चाहिए। कौन कौन पहले हिस्सा लेना चाहेगा गेम? जी मिस रूथ हो गया जी, सेकंड, थर्ड, और जी वेरी गुड जी मुनसिफ भाई। सो अपनी अपनी जगह पे ही खड़े होंगे आप। अच्छा ये है कि दो कपल इस साइड पे आ जाए, दो इस साइड पे आ जाए, गेम फिर फ्रंट पे होगी ना जरा। हाँ जी, ये नाजरीन गेम बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम है क्या। हमारे पास देखें क्रिसमस है तो खाने पीने का माहौल भी होना चाहिए, तो ये गेम जो है ना, इस गेम में हम जो मर्द हजरात हैं ना उनको केले पकड़ाएंगे, ठीक है, और वो छील के अपनी मिसिस को खिलाएंगे, देखेंगे कौन ज्यादा केले जो है वो अपनी मिसिस को खिला सकता है, क्योंकि यहाँ यहाँ तो हम अंडरस्टैंडिंग चेक कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देखेंगे कि कौन जो है वो खिदमत करने में कौन सर। वैसे तो हम जिंदगी में गेम्स करते हैं, लेकिन कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में गेम जीत जाए तो क्या ही बात है। वेरी गुड जी, इनके लिए क्लैपिंग कर दें जो गेम के लिए आए। सो जब मैं शुरू कहूंगा तो फिर आपने शुरू करना है। सो हमारे ये जो बैठे हुए कपल्स हैं यही फैसला करेंगे कि नहीं जी ये, हाँ जी। सो डॉक्टर साहब आप इस गेम के जज होंगे कि किसने सबसे पहले जो है अपने केले ख़त्म किए हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब इस गेम के जज हैं क्योंकि खाने पीने का उनका भी बड़ा तजर्बा है, तो मेरा ख्याल है कि आप उस सीट पे सामने आए और फिर देख सकेंगे कि कौन जल्दी केले खा गया, ठीक है जी। हम अपनी गेम को शुरू करते हैं, तो मैं थ्री तक गिनूंगा, 1 2 3, तालियां बजाएं इनके लिए, देखते हैं कौन सबसे पहले केले खिला लेता है। खत्म करना है मुंह से। हाँ जी कौन फर्स्ट? नहीं फर्स्ट हमें चाहिए सिर्फ जी। आज के हमारे विनर हैं इस गेम के भाई जेरी और मिस रूथ, इनके लिए जोरदार तालियां, और इनको इनको गिफ्ट दिया जाता है। मेजर साहब सामने आएंगे, जी आप सब जीत गए हैं, आप अपनी जगह पे तशरीफ लेके जा सकते हैं। व्यूअर्स, गीत और जबूर हमारी इबादत का खास हिस्सा रहे हैं, सो मैं अभी दावत देती हूं आपकी भरपूर तालियों में अनम को और सिलार को कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज से आपको महसूस करें। आपकी भरपूर तालियों में।
अनम के लिए और सलार के लिए भरपूर तालियां। इतनी खूबसूरती से उन्होंने गीत सुनाया है कि वाकई उन्होंने क्रिसमस का माहौल जो है उसको क्रिएट कर दिया है। सो एक दफा भरपूर तालियां। थैंक यू। मैं जो माइक है वो देख रहा हूँ सहेल भाई के हाथ में, तो क्यों ना हम सहेल भाई ही से पूछ लें कि आज क्रिसमस का मौका है और अपनी फैमिली की तरफ से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं क्रिसमस का? आज क्रिसमस के इस खुशी के मौके पे मैं सबसे जो वो चीज़ अपने व्यूवर्स को और अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ जिस पे मैं खुद अमल करता हूँ और मैं उसको करना चाहता हूँ, खुशियाँ तो हम सब मनाते ही हैं क्योंकि हमारे लिए जब से हम पैदा हुए हैं हम इसको खुशी का मौका ही मानते हैं, समझते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हर क्रिसमस या जो न्यू ईयर चढ़ता है मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ अपने ऐसे क्रिश्चियन बच्चों को साथ लेकर चलूँ जिनके पास तालीम का शौक है लेकिन तालीम के पैसे नहीं हैं। कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे भी मौजूद हैं और मैं वैसे भी जानता हूँ जो कि एज़ अ प्रोफेशन या जिनकी एनजीओज या इस तरह काम करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को अपना बाई सेल्फ लेकर चलता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हम अपने बच्चों की 4-4 लाख रुपया फ़ीस देते हैं लेकिन अगर हम एक बच्चे की जो एक गवर्नमेंट स्कूल में या एक मिडिल क्लास स्कूल में अगर हम उसकी 30-40 हज़ार रुपया फ़ीस दे दें तो शायद खुदा हमारी उस
अच्छे काम से उस 30,000 रुपए से शायद हमारे 4 लाख की जो बच्चे की फीस है हमारे बच्चे को कामयाब कर दे, और इस तरह और इसी तरह इस काम से शायद हम उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होने से, नशे की तरफ जाने से, बुरी सोहबतों में जाने से हम बचा सकें, और जब हम बूढ़े होंगे तो शायद हमें देखकर एक ज़िंदगी की अपनी फसल की तरह उस बच्चे को देखकर भी हमें खुशी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम आने वाले साल में 2018 में अगर एक बाहसियत फैमिली एक बच्चे को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अडॉप्ट करें तो हम अपनी क्रिश्चियनिटी को तालीम के मैदान में एक मरतबा फिर आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। सो सुहेल भाई अपनी फैमिली की तरफ से नाजरीन को विश भी कर दें। मैं अपनी तरफ से, अपने मिसेस की तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से तमाम व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को दिली तौर पर क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। खुदा हमारी खातर आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ गया और एक चन्नी में जन्म लिया, आप क्रिसमस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तमाम व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सुलह का शहज़ादा हमारे लिए इस दुनिया में आया और अमन का पैगाम लेके आया हमारे लिए, तो हमें तमाम अपने अज़ीज़ो कारब से, दोस्तों से, जिनके लिए दिल में कुछ रंजिशें हैं या कुछ नाचाकी है, तो मैं तमाम व्यूवर्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अपने बहन भाइयों से रफाकत रखें और उनसे मिलें, अगर आपके कोई गिले शिकवे हैं तो उनसे दूर करके इस अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएं। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम व्यूवर्स को हैप्पी क्रिसमस। जी रोबन भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये खूबसूरत मौका है अपने दिल की बात करने का, तो नाजरीन के साथ कैसे मुहातब होना चाहेंगे आप? आज इस खुशी के मौके पे सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हम अपने घरों में अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए क्रिसमस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो इस खुशी के मौके पे अच्छे तरीके से नहीं मना सकते। अच्छे तरीके से क्या, हमने देखा हुआ है कि बहुत ही लो तबके से हमारे बहुत सारे लोग रखते हैं, तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम सभी को लेके इस खुशी के मौके के ऊपर हम इकट्ठे हैं और सबका ख्याल रखें। और दूसरा मैं ये कहूँगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कमी है। हमने लोगों के सिखाया है एजुकेशन, लेकिन हमने सीखा कम है, तो आज हमारी ज़रूरत है कि हम खुद अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करवाएँ, हमारे बच्चे भी अच्छे लेवल पे हों, हमारे बच्चे लॉयर हों और जजेस हों, अच्छे अच्छे लेवल पे होना चाहिए। तो ये देन तब ही हो सकता है जब हमारे बच्चों के पास एजुकेशन होगी, हमारे बच्चों के पास अच्छे फ्यूचर्स होंगे, तो ये हमारी ये पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये फ़र्ज़ सिर्फ नहीं होता कि हमने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद खुद ब खुद वो अपनी एक अच्छी जगह पर पहुँच जाएगा, नहीं, तब तक हमारी जिम्मेदारी होती है जब तक वो बिल्कुल अपनी अच्छी स्टेज पे नहीं पहुंच जाता। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और जमात आल मिनॉरिटीज़ डेमोक्रेट की तरफ से सबको क्रिसमस की और नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक कहता हूं। थैंक यू जी। इससे पहले कि हम आगे मैसेज का सिलसिला जारी रखें, तो हम एक गेम ना कर रहे हैं जी? तो फिर एक गेम है हमारे पास, जो 4 जोड़े पहले आ चुके हैं वो नहीं, अब नेक्स्ट कोई हिस्सा लेना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है इस गेम में। सर हिस्सा नहीं लेंगे, आप ऐसे करें जो 4 रह गए हैं चारों की चारों बुला लें। अच्छा, हाँ जी, ऐसे है जी, बिल्कुल। तो फिर तालियां बजा दें उनके लिए जी। पहले जोड़े सामने आएंगे तो मैं गेम बताऊंगा, इस तरह आप उठेंगे नहीं। गेम का रूल बताने लगा हूं। ये जो बलून्स आपको दिए हैं, मेल हजरात इनको फैलाएंगे और फैलाकर लेडीज को पकड़ाएंगे, वो उनको फाड़ेंगी। नहीं, पिन नहीं हम देंगे, हाथ से फाड़ें, ठीक है? और इस गेम के जो जज होंगे
वो सर इफ्तखार अंजम है, वो देखेंगे कि किसने ज्यादा फाड़े हैं और वही फैसला करेंगे। ठीक है, तो अभी हम गेम जो है उसको शुरू करते हैं। जब मैं थ्री कहूंगा तो गेम जो है वो आपने स्टार्ट कर देनी है। जब मैं थ्री कहूंगा तो गेम स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे जज जो हैं उनकी नजर बहुत तेज है, ठीक है, आप दांव नहीं लगा सकते, वो गालबन 1000 बच्चा है जिनको देखते हैं जी। 1 2 3 जी, तालियां बजाएं इनके लिए, खुद नहीं फाड़ने, ये तो खुद ही फाड़ रहे। चले चले खत्म करने हैं, चार जो खत्म कर रहे हैं। जी इफ्तखार भाई, गेम ओवर हो गई, किसने जी कौन जीता है जी ये गेम? अंसर जावेद साहब जीत चुके हैं, भरपूर तालियां इनके लिए। सो आप सब अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं और अंसर जावेद और उनकी मिसिज जो है वो खड़े रहें। इस गेम के जो हमारे जज थे वो थे इफ्तखार अंजम साहब, तो वो अपनी मिसिज के साथ आएंगे और इस कपल को जो है वो गिफ्ट पेश करेंगे, जो उन्होंने जीता है वो पेश किया जाएगा। तालियां बजा दें इनके लिए। तो नाजरीन, गेम से पहले सिलसिला जारी था क्रिसमस मैसेज का, तो मैं चाहूंगा कि इफ्तखार अंजम साहब आप भी हमारे नाजरीन को अपना क्रिसमस मैसेज जो है वो दें, ताकि आज क्रिसमस का मौका है और लोगों को कुछ ना कुछ आप अपने जज्बात ज़रूर बताएं। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियां, मुबारक हों। क्रिसमस के मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे भाइयों ने कहा कि हमें एजुकेशन के हवाले से लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों के हवाले से ख्याल रखना चाहिए, तो मैं इसको इसी तरह कहना चाहूँगा कि क्रिसमस के मौका पर जब हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट ख़रीदें, तो हमें उन बच्चों के लिए भी गिफ्ट ख़रीदने चाहिए, और ख़ास तौर पर जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं उनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह इस आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया और एक अस्तबल में, चरनी में और एक खुरली में जन्म लिया उसने। तो मैम, आप क्रिसमस के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मसीही बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि यीशु अमन का शहज़ादा है, और मैं दुआ करती हूँ कि ये साल हम सब मसीहों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अमन से भरपूर हो। और बहैसियत एक डॉक्टर होते हुए मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा अपने लिए ये कहती हूँ कि जीसस वाज द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ ऑल टाइम्स। तो मैं समझती हूँ कि खुदा मुझे और हम सब मसीहों को हमारे आसपास लोगों के लिए शिफा और अमन का वसीला बनाए। जी मेजर साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को, मसीही भाइयों को, बहनों को, सब खानदानों को हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूं। और उसके बाद आजकल का जो मेरा मैसेज है एज सच, जो सबको जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको आई वुड लाइक टू टेल देम दैट जो आजकल का दौर है बहुत नफसा नफसी का, और हर जगह हर मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इराक में, सीरिया में, यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स
काइंड ऑफ वॉर गोइंग ऑन, तो इसमें जो हमारे लिए क्रिसमस का दिन है, गॉड गेव हिज सन टू अस, तो हमारे लिए क्रिसमस एक देने के लिए होना चाहिए. और हम क्या दे सकते हैं, इफ़ वी कैन गिव अ स्माइल टू ईच अदर वेन एवर वी गेट इट ऑफ आवर हाउस, तो हम अगर एक स्माइल के साथ लोगों को मिलें तो एक अमन का पैगाम, एक रवादारी का पैगाम जो है सबको मिलेगा. एंड सेकेंडली, मैं यूथ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा बहुत सारे मुल्कों से अच्छा मुल्क है. हर किस्म के यहाँ पे मौके हैं, तमाम रिसोर्सेज हैं, हर किस्म की आज़ादी है हमें मसीही होते हुए. हाँ, कुछ केसेस होते हैं लेकिन द नंबर इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. लुक एट इंडिया, वहाँ पे कितने क्रिश्चियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मारा जा रहा है उनको. सीरिया में देखें, मिस्र में देखें, कितने चर्चेज़ उन्होंने जला दिए. लेकिन उस कंपैरिजन में हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सो जो यूथ है उनके लिए हर किस्म का मौका है. मेहनत करें, मेहनत के लिए, मेहनत के आगे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, उतने ही मौके अवेलेबल हैं. लेकिन कमी किस चीज़ की है, मेहनत की है. तो हमारी जो यूथ है, यंग जो बच्चे हैं, वो आएं, आगे बढ़ें, तालीम में बढ़ें या जिस जिस शोबे में हैं उसमें आगे बढ़ें, और बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दें. खुदा हमारा निगवान है, वो हमारी हिफाजत करने वाला है. हमने क्या करना है, हमने मेहनत करनी है. और ये सब आप लोगों के सामने कामयाब लोग बैठे हुए हैं, ये एक प्रूफ है कि जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए मंजिल आसान हुई है. एंड में सबको मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, फ्रॉम माय फैमिली साइड, फ्रॉम माय चिल्ड्रन साइड, हैप्पी क्रिसमस. थैंक यू. हम इस साइड से मैसेज जो है उनका सिलसिला जारी रखें. एक और गेम हमारे पास है और उसके लिए नहीं घबराना, वो बहुत अच्छी गेम है और वो हर साल जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनती है. तो आज भी हम चाहेंगे कि वो गेम जो है हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें. तो उसके लिए पहले हम मेल हजरात को जो है वो ज़हमत देंगे कि वो गेम खेलें, और वो गेम है म्यूज़िकल चेयर. मैं पहले बता देता हूं ताकि आप घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सी गेम है. तो ये म्यूज़िकल चेयर है, तो ये पहले हम मेल हजरात जो हैं उनके साथ ये गेम खेलेंगे. तो कुर्सियां जो है ना, उनका बड़ा चक्कर है, कुर्सी तो कोई छोड़ता ही नहीं है. तो आज देखते हैं कि कौन जो है वो अपनी कुर्सी पे जमा रहता है. जी बेला, क्यों ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल जी, मुझे तो डर लग रहा है कि ममरूद जो है वो हर दफा चेयर, जो म्यूजिकल चेयर होती है उसमें भी ये जीत जाती हैं. तो मैं चाहती हूँ कि कोई और ही जीत जाए तो अच्छा है. अभी हम म्यूजिकल चेयर खेलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसके रूल्स आपको बता दूं कि जब आपने घूमना है तो वापस आके कुर्सी पे नहीं बैठना है. यानी आगे जाके कुर्सी पे बैठना है, कोई वापस आके बैठेगा तो वो गलत है. और सेकेंडली, आपने घूमते हुए कुर्सी को हाथ नहीं लगाना है. ठीक है, मुझे पता है कि आप सारी जीत जाएंगे. सो ये पहले मेल्स के लिए मौका है, आप सबकी भरपूर तालियों में हम आपको वहां गेम के लिए भेजते हैं. आप तालियां बजा के साथ दे सकते हैं. तेज चले भाई, तेज, रुक रुक के नहीं चलना. जी जी, आगे भाग के आए, पीछे नहीं आना, आगे को भाग के आए, भाग के आए उधर से. वेरी गुड, वेरी गुड.
ओ जेरी भाई, पच्चीस साल तजर्बा, 27 साल बताते हो ना। नहीं नहीं, चले मेजर साहब। जी मुनसिफ भाई भी आउट होते हैं जी आपकी तालियों में। सलसल बना लिया था स्लो का और ये अब बुलावा आ गया। ताली बजाएं भाई, सारे सारे ताली बजाएं। ये सहेल भाई की चीटिंग है, आप बैक आए चले जी। ठीक है, ठीक है जी। पब्लिक पब्लिक ठीक हो। जी सुहेल भाई अपनी फैमिली के साथ सामने आएंगे। और इस फैमिली फेलोशिप का मोस्ट सीनियर जोड़ा जेरी एंड मिस रूथ जो हैं, इनको इनाम देंगे आपकी भरपूर तालियों में। जी तालियां बजाएं इनके लिए, तस्वीर भी बनवाएं उधर। हमारी बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो प्रोग्राम में शरीक रहीं। हमने बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को क्रिसमस की सेलिब्रेशंस जो हैं वो शेयर किए एक दूसरे के साथ। मैं चाहूँगी कि मुल्क से जो बाहर लोग हैं वो उनको हम किन अल्फाज में जो है वो क्रिसमस का मैसेज देंगे और उनको क्रिसमस जो है मुबारक कहेंगे। क्रिसमस खुशियों वाला त्यौहार है और इसमें हम जितनी भी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करें, तकसीम करें, ये और ज़्यादा होंगी।
इसलिए मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से यही मैसेज है कि इसमें सबसे ज़्यादा आप दूसरों के साथ खुशियाँ शेयर करें, ताकि हम एक सच्चे मसीह होने का एक अच्छा सबूत दे सकें। मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। जी, क्रिसमस वाकई ही शेयरिंग और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का त्यौहार है। अंसर भाई, खुशियों का मौका है। आप भी अपनी फीलिंग क्रिसमस के मौका पर जो है वो लोगों से शेयर करें और अपना मैसेज दें। जैसे ही यकम दिसंबर शुरू होता है, पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लाखों ऐसे मसीह ख़ानदान हैं जिनके लिए यकम दिसंबर खुशी नहीं बल्कि परेशानी का बाइस बनता है, कि जहाँ उनके इर्द गिर्द दूसरे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए ना अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस क्रिसमस पर जहां बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये देने का त्यौहार है, हम यकीनी तौर पर याद रखें उन अपने बहन भाइयों को जो खुद से जो है क्रिसमस की खुशियों में शामिल नहीं हो सके, तो हम अपनी खुशियों को उनके साथ बाँट कर जो क्रिसमस की असल खुशी है हम उसको जो है मना सकें, क्योंकि खुदा ने भी अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर अपना हिस्सा हमारे साथ बांटा था। लेकिन जहां और बहुत सारे लोगों ने, चूँकि एजुकेशन से ताल्लुक़ है तो बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन के हवाले से बात की, तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें और पाकिस्तानी मसीही होने पर फ़ख्र करें। इस वक्त हमारे साथ मेजर साहब हैं और कर्नल साहिबा, इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए बेशुमार मौक़ों की ज़मीन है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम उस पर फ़ख्र करें और अपने मौक़ों को हासिल करने के लिए मेहनत करें, तो पाकिस्तान में हमारे लिए कामयाबी हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से और स्टारफिश फैमिली की तरफ से तमाम देखने वालों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। जी बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो जैसे अंसर ने कहा कि हमारी फैमिली की तरफ से और स्पेशली स्टारफिश पाकिस्तान के फैमिली की तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। और जो मेजर साहब एक बात कर रहे थे कि खुदा ने जो है वो अपने बेटे को हमारी ज़िंदगियों में भेजा ताकि हमारी ज़िंदगियां तब्दील हों, और अगर हमारी ज़िंदगियों में वो तब्दीली यसु के ज़रिए आ चुकी है तो मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन एक मौका होगा कि हम उस तब्दीली को दूसरे उन अपने बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो मसीही ज़रूर हैं लेकिन मसीह नहीं हैं। तो मेरा पैगाम इस क्रिसमस पे यही है कि आपने मसीह को पा लिया है, आपके पास मसीह है, तो इस क्रिसमस पे अपनी दूसरी चीज़ों के साथ, माली मदद के साथ मसीह को भी ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ बांटें। थैंक यू। क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए मोहब्बतों, रफाकतों और शराकतों का दिन है। आप ये शराकत हमारे व्यूअर्स से किन अल्फाज में करेंगे? आज इस क्रिसमस के मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे खुदा यीशु मसीह दुनिया में इस एक चरनी में आया, आप भी अपने दिल की चरनी में खुदा यीशु मसीह को जगह दें और अपने आप को तैयार करें कि वो आने वाला है। और आप सब अपनी, आज जो हमारा क्रिसमस है ये खुशी बांटने का दिन है, मोहब्बत बांटने का दिन है। आप बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको कहता हूं कि आप डिसेबल लोगों के पास जाएं, स्पेशल चिल्ड्रन के पास जाएं, मेंटल डिजीज़ के जो लोग मुब्तला है उनके पास जाएं और अपनी क्रिसमस की जो शेयरिंग है ये उनके साथ जाके शेयर करें। और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आप व्यूअर, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। जी जेरी भाई, आप क्रिसमस का मैसेज जो है किन अल्फाज में नाज़रीन को देना चाहेंगे? क्रिसमस का जो त्यौहार है वो हमारे लिए बाइस रहमत है, क्योंकि आज के दिन हमारे लिए दो जहां का बादशाह हमारे लिए आसमान छोड़कर दुनिया में आ गया, और हमें इसी पर फ़ख्र है कि आज हम क्रिश्चियन जो है वो मिनॉरिटी नहीं है, बल्कि हमें फ़ख्र से बताना चाहिए कि हम मेजॉरिटी में हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड में तो मेजॉरिटी में हैं मगर पाकिस्तान में मिनॉरिटी होते हुए हमें हमेशा अपने खुदावंद की तरफ नज़र रखनी चाहिए कि उसने हमें किसी भी जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं उसको कम नहीं किया हमेशा, बल्कि दिन ब दिन हमारे ऊपर आसमान से बरकतें नाजल करता रहता है। और आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं तो हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम बीइंग क्रिश्चियन और यहाँ पे अपना मजाज जो है ना वो यसु का बना के रखें। और हमें एक ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए कि कभी ये ना सोचें कि हम मिनॉरिटी हैं और हम लोग पीछे रह जाएंगे, हम जब कदम ही नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं,
तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो बाकी खुदावंद की तरफ से काम मिलना या ना मिलना। हमारे बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो कि घर से नहीं निकलते और घर वालों से फैमिली से बहाने बना लेते हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो हम पे इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। तो कभी भी आज ये ना सोचें कि हम ये इस तरह के ख्याल रखें, हमेशा खुदावंद पर तवक्कल रखें और खुदावंद आपको बरकतों से नवाजेगा। और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को और जितनी भी मिनॉरिटीज़ यहाँ पर रहती हैं, मेजॉरिटीज़ रहती हैं, उन सब को हैप्पी क्रिसमस। इससे पहले कि हम लेडीज़ के साथ म्यूज़िकल चेयर जो हैं वो खेलें, तो आपको हमारे सिंगर्स के गीत पसंद आए थे जी, तो फिर उनके लिए तालियां हो जाएं। मीना शहर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आएं और मिस्टर यूनस खान जो हैं वो उनको आज क्रिसमस का एक तोहफा अपनी फैमिली के साथ पेश करें। जी आपकी भरपूर तालियों। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेजर साहब की फैमिली को कि वो आएं और हमारे दूसरे सिंगर अनम और सलार को जो हैं वो जो आज क्रिसमस का गिफ्ट जो हैं वो पेश करें, आपकी भरपूर तालियों में। जी तालियां इनके लिए। तो अभी बारी है म्यूज़िकल चेयर की, तो ये ख़वातीन के लिए गेम है म्यूज़िकल चेयर, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चेयर जो हैं वो लाएं ताकि ख़वातीन भी जो हैं आज क्रिसमस की इस खुशी में इस गेम के ज़रिए से शामिल हों। जी हम अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। जी आप चेयर्स के पास जा सकती हैं, आपकी भरपूर तालियां। तालियां बजाएं, उन्होंने आपके लिए तालियां बजाई, सारे तालियां बजाएं मुनसिफ भाई, ताली बजाएं। एक चेयर है, ऊपर से आना पड़ेगा जी। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये आप दोनों के लिए तो चेयर आसमान से ही आ जाती है। जबरदस्त जबरदस्त भाई।
जबरदस्त मिस रूत के लिए क्लैपिंग भाई। जबरदस्त जी, वो पहले ही बाहर चले गए थे कि भाई मिस्र उसने बैठ ही जाना, मुकाबला सख्त है जी जी। मैं दावत दूंगा अंसर जवेद फैमिली को के वो आए और मिस रूथ को जो है आज इनाम दें। सो इनाम लेने के लिए जारी भाई आप भी साथ आए। चलें जी मिस रूथ के लिए जोरदार तालियां। सो नाजरीन आज खुशी का मौका है, क्रिसमस का दिन है और खुशी का मौका हो तो केक तो बनता है। और आज हम शुक्रगुजार भी हैं सुहेल लेजली साहब के कि जिन्होंने आज क्रिसमस के लिए केक जो है वो हमें मुहैया किया है जो हम सब मिलकर काटेंगे। सो हम उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाते हैं। सो अभी केक लाया जाएगा और हम सब मिलकर केक काटेंगे और उसके बाद काटेंगे बल्कि एक दूसरे को बड़े प्यार के साथ खिलाएंगे। हाँ जी, बाद में हर फैमिली बारी बारी आएगी और एक दूसरे को केक खिलाएगी जो कि एक दूसरे के साथ क्रिसमस और ये इस बड़े दिन का मैसेज। Thank you.
बेटा होगा शहंशाहों का शाह, तेरे बेटा होगा शहंशाहों का शाह, क्योंकि इब्ने खुदा, क्योंकि इब्ने खुदा आज पैदा हुआ, आज गाए हवा झूमती है फिजा, आज गाए हवा। आज पैदा